बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 23 लिंक हिंदी पार्ट दो। बच्चों, आपने पिछली क्लास में रीड किया था लिंक मींस क्या होता है, जेंडर। इसके टाइप्स रहते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस शब्द से आपको पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, जो शब्द इसका बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आदमी इसमें आता है पुल्लिंग में। इसके बाद इसका हम जेंडर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, औरत, दादा दादी, लड़का लड़की। इस तरह यहाँ पर आपकी बुक में चैप्टर में बहुत से वर्ड दिए हैं जिनका हम जेंडर चेंज करेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 23। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 23 लिंग। लिंग मीन्स होता है जेंडर। जिस शब्द से आपको पता चल रहा है संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, माता, लड़का, शेर, मोरनी। अब इसमें माता स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग, शेर पुल्लिंग और मोरनी स्त्रीलिंग। तो बच्चों, आपको समझ में आया, जिस शब्द से आपको पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग मतलब ये शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखो एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पर लिखा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। अब यहाँ पर हम देखते हैं लड़का, लड़का क्या है, पुल्लिंग, बी ओ बाय बॉय। और लड़का का जब हम जेंडर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, लड़की, लड़का लड़की, बॉय गर्ल। इसी तरह पिता, इसका जेंडर चेंज करेंगे तो स्त्रीलिंग क्या होगा, माता, फादर मदर। इसके बाद भाई का, बहन ब्रदर सिस्टर। पुत्र, पुत्र का क्या होगा, पुत्री सन डॉटर। आदमी, आदमी का हम चेंज करेंगे औरत, और आदमी के इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन और वूमेन। पति पत्नी हस्बैंड वाइफ। इसी तरह राजा रानी किंग क्वीन। इसके बाद है कवि कवयित्री पोएट पोएटेस। तो बच्चों, ये आपके वर्ड दिए हैं, इसके आगे भी आपके बहुत सारे वर्ड हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में आपको चेंज करते बनना चाहिए। ओके बच्चों, आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आप समझ गए होंगे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है। तो आपके बुक में जो भी वर्ड दिए हैं आपको उनकी पढ़ने की प्रैक्टिस करना है, और आपको स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज करना सीखना।